है कंपाउंड आई। कंपाउंड अक्सर जो है वो एमसीक्यूज भी आ जाता है कि कंपाउंड आई किससे मिलके बनी भी होती है। तो उसमें एमसीक्यूज में होता है फैसेट से मिलके बनी भी होती है, ओमिटिडिया से मिलके बनी भी होती है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो आपने बोथ पे लगाना है क्योंकि दोनों एक ही बात है, ठीक है, फैसेट और ओमिटिडिया। और ये एक तो तब ये बहुत सारी आई से मिलके एक आई बनती है, इसलिए इसको कंपाउंड आई कहा जाता है। छोटी छोटी आईज में बहुत सारे इसके मतलब इमेजेस नजर आ रहे होते हैं, तब जाके जो वो दिमाग में उनके मतलब इमेजेस जाते हैं, फिर वो इनको जो ब्रेन है वो इनको एक क्लियर जो है वो इमेज इनको दिखाता है। तो ये हम नर्वस सिस्टम में बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी आप ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि कंपाउंड आई जो है वो छोटी छोटी आई से मिलके बनी हुई होती है, जिसको फैसेट और ओमिटिडिया भी कहते हैं। अच्छा ये आगे चलते हैं, ये देखें इसका जो है फर्स्ट जो है वो हेड है। इसमें जो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है ना लेग, इसको कहते हैं मिडिल, और ये जो दूसरा है इसको कहते हैं हाइंड लेग। ये जो फर्स्ट वाला है और ये है फ्रंट वाला लेग, फोर लेग, हाइंड लेग, मिडिल लेग। तो ये अभी हम जब इनके आगे लेग के ऊपर भी इनकी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे तो काफी सारी ऐसी भी टाइप्स होंगी इंसेक्ट की, जो के जैसा कि अभी हम ग्रास ऊपर को देखें तो इनका जो ये वाला लेग है ना ये जंपिंग वाला है। ये इसकी जो स्पेशलाइजेशन, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो दूसरी होगी, और जो ये दूसरे आगे के हैं इनकी अलग अलग होगी। देखिए अभी जो एग्रीकल्चर का सबसे मेन जो मसला है वो है इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट को जो अभी एग्रीकल्चर की यील्ड कम करने में जो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यही पहुंचा रहा है, क्योंकि क्रॉप जो है वो गुलाम नबी अजान हो रही है, एक मिनट रुको, ठीक है आप। एक प्लांट है। और जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इनकी जो फूड फैक्ट्री होती है ना वो लीव होती है, मतलब इनकी जो पूरी बॉडी में जो ग्रीन ग्रीन जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल क्या होता है, अब क्योंकि काफी सारे मेरे बहन भाइयों का जो है वो इंजीनियरिंग से भी होगा बैकग्राउंड, तो उनको हर चीज मैं चाह रही हूँ कि आराम आराम से उनको हर चीज समझाऊं। तो क्लोरोफिल ये होता है कि इन्हें ऑटोट्रॉफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफिल से जो है वो हीरा सनलाइट, सूरज, जी हीरा, आपकी आवाज़ जो है ना वो स्टूडेंट को कम आ रही है, तो मेहरबान करके माइक थोड़ा सा क्लोज कर लें। अच्छा करीब ही है। हाँ तो प्लांट का जो फूड फैक्ट्री है वो लीव होता है। हम लोगों ने पहले भी, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में भी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो ये होता है कि सूरज की रोशनी से जब सूरज की रोशनी प्लांट के ऊपर पड़ती है तो वो जाइलम और फ्लोएम की मदद से, और जो है वो मतलब क्लोरोफिल की मदद से जो है न्यूट्रिएंट नीचे से भी वाटर लेता है जाइलम, फिर फ्लोएम जो है वो फूड जो है वो देता है। मतलब ये आपने और भी मतलब अच्छे से पहले से पढ़ा होगा। तो ये मतलब फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट हैं, जब हमारी क्रॉप को, हमारे प्लांट को जो है वो डैमेज करते हैं, उसका जो लीफ का लैमिला होता है जो ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल है वो खराब करते हैं, डैमेज करते हैं, तो वो क्लोरोफिल की जब डैमेज हो जाता है, लीफ खराब हो जाता है, तो उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो डैमेज होता है। जैसा कि अगर हम लोग, हमारा स्टमक है, अगर हमारा स्टमक ही खराब हो तो हमें कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, हमारी तबीयत और भी खराब होती जाती है। तो इसी तरीके से जो इसकी फूड फैक्ट्री है ना वो खुद इसकी लीव्स हैं, इसका क्लोरोफिल है, अगर ये अगर वो डैमेज हो जाता है तो फिर ये फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता। तो इसी वजह से, और ये जो हमारे इंसेक्ट होते हैं इनका जो पसंदीदा फूड है वो है, क्योंकि ये ज्यादातर जो नुकसानदा होते हैं वो फाइटोफेगस होते हैं, ये इनका जो खाना होता है वो होता ही उन प्लांट है। तो इस वजह से हम लोग इनकी मैनेजमेंट के लिए समझ लें, जैसे ये हमारे दुश्मन है, अब दुश्मन को कंट्रोल करने के लिए पहले उनको जानना पड़ेगा, उनकी नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको हम जानेंगे, उनको पहचानेंगे, उनकी हैबिट क्या है, उनकी उनका कौन सा स्टेज पर उनको हम डैमेज कर सकते हैं, उनका माउथ पार्ट कैसा है, उनका मोड ऑफ डैमेज क्या है, ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में भी यही चीजें आती हैं और ये बेसिक चीज है। तो आगे चलते हैं। अच्छा ये है जो स्टार्ट, हम ये एक इंसेक्ट कोई सा भी हो,
ठीक है, जरूरी नहीं है कॉकरोच ही हो, कोई सा भी इंसेक्ट हो जो उसका स्टार्ट का जो डॉर्सल मतलब डॉर्सल वाला ऊपर वाले रीजन को कहते हैं, तो ये बात याद रखेंगे सबसे स्टार्ट की चीज मैं स्टार्ट से लेके जा रही हूँ, तो जो डॉर्सल है उसको आप ये नोट कर लें, से लिखा हुआ नहीं है, उसको कहते हैं डॉर्सल रीजन को टर्गम, ठीक है, नोटा भी कहते हैं वैसे, लेकिन ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो टर्गम यूज किया जाता है, ठीक है। वेंट्रल जो नीचे वाला जो जमीन का हिस्सा होता है ना, वेंट्रल हिस्सा, अब ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम इनके सिस्टम भी पढ़ते हैं, बहुत सारे इसके नर्वस सिस्टम भी पढ़ते हैं, भाई हम ये क्यों हम इन्होंने नाम रखे हुए, सीधा सीधा लिख देते कि ऊपर वाला नीचे वाला, इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि जो इसका जो नर्वस सिस्टम है, जो दूसरी चीजें हैं वो मुखातिब की जाती है कि भाई यहाँ पर ये चीज है, जैसे स्पाइरेकल है या नर्वस सिस्टम है तो वेंट्रल साइड पर उसकी होती है, हार्ट सिस्टम है तो वो डॉर्सल साइड के ऊपर होता है, तो ये चीज इस वजह से यहाँ पर की जाती है कि जो साइड्स हैं इसके वो साइंस ने जो है इनको इस तरीके से मुखातिब करने के लिए इसके नाम यहाँ पे रखे हुए, जो ऊपर वाला रीजन है उसको डॉर्सल रीजन, जिसको टर्गम कहेंगे, जो वेंट्रल वाला नीचे वाला जो जमीन से लगता होगा ना उसको कहेंगे वेंट्रल, उसको स्टर्नम कहेंगे, वेंट्रल वाला हिस्सा, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, टर्गम, नीचे जो जमीन वाला क्या है, स्टर्नम, जो आगे वाला एंटीरियर है वो एंटीरियर, पोस्टीरियर वो है, लेकिन जो अगर हम जैसे इंसेक्ट खड़ा हुआ है मतलब अभी जिसका स्टेबल है, स्टेबल स्टेज पर है, अगर हम इसको साइड से हम जिस तरह देख रहे हैं, इसका जो ये वाला साइड वाला रीजन है ना, ये वाला साइड वाला रीजन, ये जो मेरी चलती नहीं रहा, ये जो साइड वाला रीजन है इसको कहेंगे प्लूरॉन, ठीक है। और ये जितने भी इसके जो ये सेगमेंटेड बॉडी है, तो इसको जो सेगमेंट्स है इसके, इसको जो मिलाया हुआ है, जिसको डिवाइड किया हुआ है, इसको कहेंगे सूचर, जो ये एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से मिला हुआ है इसको कहेंगे सूचर, ठीक है। ये हम आगे और पढ़ते हैं, फिर आपको और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी आगे। अच्छा, जैसे कि अभी हमने आपको हमने पढ़ा कि थोरेक्स के जो है वो तीन रीजन है, एक है प्रोथोरेक्स, एक है मेसोथोरेक्स और एक है मेटाथोरेक्स। जो पीछे वाला है बिल्कुल एंड वाला उसको मेटाथोरेक्स, जो बीच वाला है उसको मीजो, जो आगे वाला है उसको प्रोथोरेक्स। अच्छा, प्रोथोर अक्सर एक भी एक ये भी सवाल आता है कि प्रोनोटम कहाँ होता है इंसेक्ट में, तो आपने बताना है कि प्रोनोटम जो है वो थोरेक्स के ऊपर होता है, ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग लेयर होती है ये जो थोरेक्स के ऊपर होती है इंसेक्ट में, कुछ स्पीशीज में होती है कुछ में नहीं होती, लेकिन ज्यादातर जो ग्रास ऊपर को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें होती है, और बग्स वगैरह इनमें तो बकायदा दिखती है, तो ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग लेयर होती है जो थोरेक्स के ऊपर होती है, तो ये आपने याद रखना है कि प्रोनोटम थोरेक्स के ऊपर होती है, और जो स्टार्टिंग के जो प्रोथोरेक्स, जो स्टार्टिंग का ये प्रोथोरेक्स, सेकंड जो है वो मेसोथोरेक्स और थर्ड जो है वो मेटाथोरेक्स, ये कितने रीजन हो गए, तीन, तीन रीजन में हमारा थोरेक्स डिवाइड होता है मतलब इंसेक्ट का। अच्छा, जो विंग्स होते हैं ना वो स्टार्ट वाले से नहीं निकलते, अक्सर ये भी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि विंग्स जो है वो प्रोथोरेक्स से निकलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, विंग्स जो है वो होते हैं मेसोथोरेक्स से, जिसको कहते हैं फोर विंग्स, आगे वाले विंग्स, ठीक है, हाइंड विंग्स, जिन्होंने फोर विंग्स जो है वो एक तरीके का कवरिंग कवर देता है इसको, हाइंड विंग्स, विंग्स को जो अक्सर जो है वो मेम्ब्रेनस बहुत पतले होते हैं ये वाले, ये ज्यादा हार्ड होते हैं, तो कुदरत ने भी ये निजाम बनाया हुआ है कि एक पतले जो जो विंग्स है उनको जो एक कवरिंग दी हुई है उसको हार्ड विंग, वो है फोर विंग्स, ठीक है। मतलब आपने ये समझना है कि इनके पास जो है वो टू पेयर्स होते हैं, जैसा कि चार विंग्स होते हैं, तो टू पेयर हो गए, फर्स्ट वाला जो पेयर है उसको कहेंगे हम फोर विंग, जो सेकंड वाला पेयर है उसको हम कहेंगे हाइंड विंग क्योंकि वो पीछे होता है, ठीक है। ये एब्डोमेन, एब्डोमेन के जो स्पायरेकल्स है ना वो तक आठ वाले, आठ सेगमेंट तक होते हैं, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पायरेकल जो है नाइन टेन इलेवन जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तौर पे यूज होता है इंसेक्ट का, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अच्छा,
माउथ पार्ट देखें, यहाँ पर एक बकायदा एक मैंने ये वाली भी इसलिए निकाली थी कि इसमें वो जो ग्रास ऊपर का था उसमें माउथ पार्ट उसका छुप रहा था, तो इसलिए एक ये देखा जाए कि ये माउथ पार्ट है, इसमें मैगजिला है, लेबियम, तो ये भी इसको मैं और भी दिखाऊंगी प्रोमिनेंट। तो ये माउथ पार्ट हो गया जिसमें, और ये एंटीना हो गया जो सेंसरी ऑर्गन है, ये जो मैंने बताया था ना फोर विंग्स जो है वो अक्सर हार्ड होते हैं और हाइंड विंग नरम होते हैं, पतले होते हैं, उसको कवर देते हैं। ये मिडिल लेग हो गई, ये हाइंड लेग हो गई, ये एब्डोमेन, ये फोर विंग और ये फोर लेग आगे वाली। ये वही इसमें स्पेरिकल भी दिखाए हैं बकायदा, एक्सटर्नल एनाटॉमी। इंसेक्ट हेड के ऊपर आएंगे, इंसेक्ट हेड के भी जो पार्ट है, जो अभी मैंने बताया कि ये वाली जो कंपाउंड आई है जो काफी सारी मिलके बनी होती है, ये इसका यहाँ से लेटरल व्यू दिखाया है इंसेक्ट का, और ये पोस्टीरियर एंटीरियर आगे सामने का। ये मैंने जो आपको बताई थी कि एक नॉर्मल सिंपल आई भी होती है वो है ऑसिल आई, तीन है यहाँ पर। ये नॉर्मल आई होती है, सिंपल आई को क्या कहेंगे, ऑसिल आई, कंपाउंड आई जो के जिसकी जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड आई काफी किस उससे मिलके बना हुआ होता है, वो हमने पढ़ा कि ओमिटिडी है जिसको फैसेट भी कहते हैं, और इसकी शेप कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है। और ये हो गया फ्रॉन जो है ना वो आगे का, जैसे हमारी आगे का होता है ना हिस्सा हमारा, ये फ्रॉन है। जीना जो है ये साइड वाला है ग्रीन कलर का, जैसे हमारे गाल है। क्लैपियस हमारे जो लिप के ऊपर वाला रीजन है, मैंडिबल, लेब्रम, लेब्रम ये ऊपर वाला रीजन, मैक्सिला है, ये जो है बाहर बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये मैक्सिला है। इनके नाम दिए गए हैं, फिर अब इनके फंक्शन हम जानते हैं कि ये क्या क्या है। लेबियम नीचे वाले और लेब्रम देखें, पिंक वाले जो है वो ऊपर है वो कौन सा है, लेब्रम, और जो नीचे वाला है सेकंड मैक्सिला, और फर्स्ट मैक्सिला ये और सेकंड मैक्सिला ये, जो नीचे वाला है वो है लेबियम। सिक्स रीजन है हेड के, एंटीनल, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, लेबियल, यही जो अभी आप मैडम महा ने ग्रुप में भेजा था कि हेड के कितने सेगमेंट्स होते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है कि आपने बताने हैं सिक्स सेगमेंट। अच्छा, टाइप्स ऑफ हेड अक्सर आ जाता है कि हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस और ऑपिस्थोगनेथस। हाइपोगनेथस में ये होता है कि 90 डिग्री के एंगल पर जो होता है ना हेड, ये आ जाएगा आपके पास, ये रहा हाइपोग्नेथस, नीचे 90 डिग्री का एंगल, एक यू और एक यू, यू आप देखेंगे ना नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 90 डिग्री नीचे की जमीन की तरफ जा रहा होगा इसका हेड। तो इसमें जो आ जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल वो आ जाएगी ग्रास ऑपर की। अच्छा, प्रोग्नेथस में हमारे पास जो आता है 180 डिग्री तक का आएगा सीधा, ऑपिस्थोग्नेथस का 45 डिग्री तक। अच्छा, ऑपिस्थोगिनाथस की एक ये है कि अक्सर इसमें ज्यादातर बग्स वगैरह आते हैं, इसमें ये जो पीली ये जो पिंक कलर की जो ये हाईलाइट की हुई है ना, ये स्टिंग होती है, जो इनके जो फोर लेग हो आगे वाले जो मैंने अभी पढ़ाया, जो फोर लेग है आगे वाले लेग उनके बीच में जा रही होती है, क्योंकि ये तो इसकी बॉडी आ गई, जो इसकी ये स्टिंग है ना, जब ये स्टेज ब्रेस्टिंग स्टेज पे आएगा तो ये जो इसकी स्टिंग है वो नीचे फोर विंग्स की तरह, फोर विंग्स से बिल्कुल फोर लेग के दोनों के बीच में आ जाएगी, ठीक है, ये इसकी बॉडी हो गई, और यहाँ पे जो फोर लेग होंगे इसके आगे वाले लेग उनके बीच में आ गए। अच्छा, प्रोगनेथस में क्या आएगा, हमारी जो बिटेल और विवेल है उनका जो उनका हेड, और जो बक्स वगैरह आएंगे वो ऑपिस्थोगिनेथस। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ग्रास हॉपर जो है वो ऑपिस्थोगिनेथस का है क्या, या प्रोगनेथस का, या हाइपोगिनेथस का, तो आपने टिक लगाना होगा हाइपोगिनेथस में, ठीक है। यही बेसिक टाइप्स हैं, हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस और ऑपिस्थोग्नेथस। ये विविल है, इसमें स्नॉट होती है आगे, इसका भी मतलब सिम
वही सामने की तरफ है, तो इसलिए बिटिल और विविल ये सारी प्रोगनेथस में आ गई। अच्छा, हाइपोगनेथस की जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सी है? हॉपर और कॉकरोच जो आएंगे वो हाइपोगनेथस में आएंगे। प्रोगनेथस में स्टिंग, जैसा कि ये रहा स्टिंग बग, अब ये देखें आपकी ये जो इसकी स्नॉट है ना, ये दिख रही है ब्राउन कलर की, ये इसका ये दोनों लेग आ गए, फोर विंग्स, फोर विंग्स के देखें बीच में जा रही है इसकी स्नॉट, जो सक करने में काम आती है। तो ये आ गई प्रोजेक्टेड हेड टू फॉरवर्ड बिटिल, बिटिल्स इस, और लेडी बर्ड बिटिल, स्टिंग बिटिल, इंसेक्ट स्टिंग, इंसेक्ट स्टिंग बग इसमें आती है। ऑपिस्टोगिनेथस जो होता है प्रोजेक्ट हेड होता है इसकी ऑन द टू लोअर एंड बैक बैकवर्ड एंड प्रोबोसिस, जैसे कि एफिड हो गया, बग्स, सकिंग इंसेक्ट, होमोप्टेरा, जितने भी होमोप्टेरा हैं वो ऑपिस्टोगिनेथस में आएंगे। प्रोगनेथस में कौन आएंगे? स्टिंग इंसेक्ट, लेडी बर्ड बिटिल, ये बिटिल का च्यूइंग माउथ पार्ट होते हैं बिटिल के, ये देख रहे हैं च्यूइंग, ये इसके जो मैगजिला है वो कितने हार्ड है, ये च्यूइंग माउथ पार्ट है। और ये जो है वो फाइटोफेगस इंसेक्ट को खाता है, जैसे कि एफिड, जेसिड, इन्हें जो है वो खाता है, तो इसलिए इसका जो माउथ पार्ट है इसका च्यूइंग माउथ पार्ट है। अच्छा, हाइपोगनेथस में हॉपर और कॉकरोच आ जाते हैं जैसे ग्रास हॉपर, तो अक्सर ये भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको इनकी एग्जाम्पल लाजमी याद करनी है, तो इसलिए मैंने रेड हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप में कौन से टाइप के इंसेक्ट, उनके माउथ पार्ट कैसे हैं। माउथ पार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि ये मैंने बताया अभी, ये ऑसिला आ गया, लेफ्ट मैंडिबल और राइट मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम, इनका काम क्या है? लेब्रम जो है वो अपर